थिंक रिच ऑल द टाइम। गरीब सोच अमीर इंसान नहीं पैदा करती सर। माइंड की कंडीशनिंग, शैंपू कितना बढ़िया लगाते हो यार आप, कंडीशनर कितना बढ़िया लगाते हो कि नहीं लगाते? माइंड की कंडीशनिंग जरूरी है, जिसके लिए ट्रेनिंग लगता है। दोस्तों आप एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनते हो, एक्सपेंसिव जूता पहनते हो, एक्सपेंसिव जगह हेयर कट कराते होगे, एक्सपेंसिव गाड़ी में घूमते हो, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होगे, इवन वेट करते होगे, कभी कभी लाइन होती है वहां पर, वेट करते हैं ना खाना खाने के लिए, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अच्छी जगह जाते हो, कहां फीड कर रहे हो? बिलो द नेक। वेयर यू आर फीडिंग? बिलो द नेक। क्या करना है आपको आज के बाद? सिंपल सिंपल टिप्स बता रहा हूं ताकि आपका फिलॉसफी पुअर से रिच हो जाए। हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन कभी नहीं करते कि हम कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। रिच थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू रिच, पुअर थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू पुअर। आप जानते हैं पुअर थिंकिंग हैबिट क्या क्या है? ये भी एक हैबिट है यार, जैसा सुबह उठना, लगातार जाना, चलिया करते हैं ना हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, 40 दिन जाऊंगा हैबिट है, सुबह वॉक करूंगा हैबिट है, किताब पढ़ूंगा 15 दिन हैबिट है, तो अच्छा सोचना भी एक हैबिट। आपको क्या करना है आज के बाद? मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई मुश्किल काम नहीं बता रहा आपको। आज के बाद अपने कपड़े ड्राई क्लीन करा के पहनना है। इट विल कॉस्ट ओनली 700 to 800 rupees पर मंथ, मैक्सिमम 1000 rupees पर मंथ। इतने की पी जाते हो शाम को बैठ के, तो मैं बता रहा हूं तुमको, इतने का मैडम पार्लर जाके शैंपू करा लेती होंगी, लेकिन कपड़े घर में धुलेंगी। अब इससे होगा क्या, मैं वो बता रहा हूं। दो बातें, पहला तो कपड़े का जिंदगी बदलेगा, कपड़े का लाइफ, और आपको एक रिच फीलिंग आएगी कि मैं ड्राई क्लीन्ड कपड़े पहनता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, और ये बातें मैं बहुत जगह बताया हूं, कुछ नया नहीं बता रहा। अब आपको बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बोलता हूं साला जिस दिन तुम नया अंडरवियर पहनते हो ना और बनियान, उस दिन भी साला तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, आप याद करो जिस दिन तुमने नया शर्ट पहना हो, नया ट्राउजर पहना हो, चाल देखो तुम अपनी, साला कत्ल कर दोगे बाजारों में लोगों के, है ना? अगर आप 15 shirt ड्राइक्लिंग करा लें, इट विल कॉस्ट यू 700 rupees, 600 rupees, है ना, 700-600 rupees लगेगा। 5-6 trousers, क्योंकि ट्राउजर 3-4 बार पहना जाता है, तो 1000 rupees से ऊपर का कॉस्ट नहीं आएगा। हम लोग इस दिशा में सोचते नहीं है कभी, लेकिन वेन एवर यू वियर दैट शर्ट और अ ट्राउजर, यू फील रिच माई डिफरेंस। और मैं दावा दे सकता हूं, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के 90% लोग कभी ड्रैगलिंग नहीं कराते। अब आप बोलेंगे इतनी छोटी सी बात बता रहे हो, मैं बोलता हूं बातें तो छोटी ही छोटी होती हैं, असर साले बड़े होते हैं, बस क्या करें। कभी भी जिंदगी में नाई पे कटिंग कराने जाओ, जितना मांगे 100 फालतू दो। तुम साल में 10 बार से ऊपर नाई पे नहीं जाते हो। इन अ ईयर यू विल नेवर गो टू अ बार्बर शॉप मोर देन 10 times, एम आई रॉन्ग और राइट? उसने 100 मांगा, तुमने 200 दिए, साल में कितने फालतू दिए? 1200 फालतू दिए, 1000 फालतू दिए। पहली बार 100 फालतू दो, दूसरी बार 100 फालतू दो, तीसरी बार जाओ वो सारा बाल काटते छोड़ के तुम्हारे को बोलेगा सर आइए ना, आप आइए सर, तुम्हारी जेब में है 200 ही, वो करोड़पति को छोड़ बैठा। आपके लिए लोगों की भावनाएं फीलिंग बदलनी चालू हो जाती हैं, और जब 100 लोग सोचते हैं आप करोड़पति हो, करोड़पति हो, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, एक दिन वो सराउंडिंग सारी की सारी चीजें जुड़ के आपके अंदर आनी चालू हो जाती हैं।